केस बहुत क्लियर है सर, आप लेडी पद्मिनी राज सिंह के बड़े बेटे हैं, पर ये फार्म हाउस और इसकी 300 एकड़ ज़मीन सिर्फ आपके हिस्से नहीं लिखी जा सकती। आपके दोनों छोटे भाई गजेंद्र और वीरेंद्र का भी इसमें बराबर हिस्सा होगा, और मैं यहाँ आपकी ये मनमानी रोकने आया हूँ। अरे भाई, आप तो मैडम, हम लोग को एक ऐसा कुक चाहिए जिसका आगा पीछा कोई नहीं है। तुम शादी बनाए हैं? नहीं। पापा की कोई खबर मिली का? फैमिली? अरे चिंता ना कर लाली, ऐसा आदमी है मरुस्थल में भी अपनी हरी सब्जी उगा दे। बैचलर? बोले तो। नानी, नानी। मैं ना अपना फैशन बुटीक बंद करके ही आ गई। जो भी असाइनमेंट्स थे ना यही ले आई, मास्टर जी को भी साथ ले आई। मास्टर जी? साष्टांग प्रणाम नानी जी। अगली बार अगर साथ देख लिया, आखिरी दिन होगा तुम्हारा। माँ वहाँ गांव में करवा चौथ का व्रत रखी है, आप यहाँ रंगड़ियाँ मना रहे हो, हैं? वो बेनी के साथ चिपट चिपट रहे हो, बिताओ यार परिवार। क्या जमाना आ गया है। संडे को एक लॉयर आने वाला था मुझसे मिलने, आया था क्या? हाँ आया था। किस काम के लिए आया था सर? एनी प्रॉब्लम? मिसिंग केस की FIR रजिस्टर हुई है। बेटा हम बहुत गलत जगह पर। पुलिस की रेड पड़ी है। उसे डुबा दिया, जला दिया, मार दिया या छिपा दिया, आपको मुझ पर शक तो नहीं? हाँ भैया, ऐसा ना हो कि अपने 36 के आंकड़े में इस 36 फार्म हाउस से हाथ धोना। सबकी नजर तो सिर्फ नानी की जायदाद पर है। जो इतने सालों से इतना सारा दर्द आपने अंदर छुपाया हुआ है ना, उसे आपको निकाल देना होगा नानी। आज मैं आप सबको वो दूंगी जो आप सब चाहते हैं। दो टाइम आदमी चोरी करता, एक तो जरूरत पड़ लेता और एक लालच पड़ लेता। कमाल है यार, ये घर में हर कोई एटीट्यूड देता है। हट सर, त्रुटियों से भरा पड़ा है। एक औरत आई है आपसे मिलने, कहती है आपकी पत्नी है। पूजा बुआ, फूफा जी के मरने के बाद।